अभी तो मैक्सी के लिए दवाई भरते हैं, तकरीबन यार गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, मुझे डर है कि मेरे दूसरे बच्चे भी ना ख़राब हो जाएं। चले आए पहले मैक्सी का कुछ करते हैं, फिर उनका भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुनिवर्स। गाइस काफ़ी दिनों से सोच रहा था व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, लेकिन काम की मसरूफियात इतनी कि वक्त ही ना मिले। आज सारे काम पेंडिंग में रख के व्लॉगिंग स्टार्ट की है, ये भी तो एक काम है ना। गाइस आपको एक बात बताऊँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, हालांकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। क्यों? क्योंकि मेरा मैक्सी ठीक नहीं। आए मैं आपको बताता हूँ मैक्सी क्या है, कौन है और क्यों मैं परेशान हूँ। यार एक होता है ना, इंसान को किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, उसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है वो। तो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है मैक्सी। तो मैक्सी आज कराची का मौसम आप देख सकते हैं कितना गर्म है, शायद इस गर्मी की वजह से बीमार हो गया हो। गाइस मैक्सी बीमार है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। आए देखते हैं मैक्सी को क्या हुआ है, चेक करते हैं, फिर उस मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये है मेरा मैक्सी, यार आप देख सकते हैं कितना कमज़ोर हो चुका है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। चेक करते हैं इसको हुआ क्या है। कान तो इसके बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका मुंह चेक करते हैं, मुंह भी अंदर से इसका बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी ये अलामत बता रही है कि इसको बुखार है और काफ़ी तेज़ बुखार है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, हमें इसकी ट्रीटमेंट पता है। तो आए जब तक आप इसकी सिनेमेटिक शॉट चेक करें, हम इसके लिए दवाई लेके आते हैं। तो ये वो रूम है जहाँ वेटनरी की मेडिसिन वगैरह पड़ी होती है, बस दुआ करो कि यहाँ से मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाइक पे नहीं जाया जाता भाई। हाय 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 हाय, कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है, ढूंढनी पड़ेगी, मिल जाए तो बेहतर है वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है। अड़े अड़े अड़े, ये क्या हो गया यार, मैं लाया तो था, पड़ी होनी चाहिए, शायद 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 मिल गई गाइस, मिल गई ये। ओड़े 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 ओड़े। ये हमारी मैक्सी की दवाई है गाइस। तो चले आए मैक्सी को देते हैं। मैक्सी अभी तुम ठीक हो जाओगे मैक्सी, इसको देखें ये कैसे चिल कर रहा है भाई। मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी घर जाके एसी लगा के ऐसे चिल कर लूँ, पर पहले मैक्सी का भी तो इलाज करना है ना। तो चले आए मैक्सी को दवाई देते हैं। अभी तो मैक्सी के लिए दवाई भरते हैं, तकरीबन यार गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, मुझे डर है कि मेरे दूसरे बच्चे भी ना ख़राब हो जाएं। चले आए पहले मैक्सी का कुछ करते हैं, फिर उनका भी करते हैं। मैक्सी तुम ठीक हो जाओगे मैक्सी छोटा है इसलिए इसको थोड़ा कम मिकदार में देते हैं। आ जाओ मैक्सी। देखो यार जब भी छोटे बच्चों को दवाई दो ना, बिल्कुल स्लो स्लो देनी चाहिए। देखो ये बहुत छोटे होते हैं, इनको तकलीफ भी होती है। यार देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए 5-5 ml दूसरे बच्चों को भी पिला दें ताकि उनको भी बुखार ना हो। तो सारे बच्चों को दवाई पिला दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन मैक्सी की है। दूसरों की भी है लेकिन मैक्सी के साथ एक अलग प्यार है यार, ये देखें आप भाई। कल तक ये मुझे सारे फार्म में भगा रहा था, वो उस कोने तक भगाता था भाई, और आज ये बेचारा इतना परेशान खड़ा हुआ है और इसने मुझे परेशान किया हुआ है मैक्सी। तो चले फिर पंखे के नीचे बैठते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, गर्मी ने कराची में हद कर दी है। अरे भाई कालिया भाई, यार ये कालिया भाई तो रहेगा भाई, इसको हमने इसलिए अलग बांधा हुआ है ना, एक मोहल्ले में बदमाश बच्चा नहीं होता जो सारे बच्चों को मारता है भाई, ये वो है कालिया डॉन, ये सबको मारते हैं भाई, इसलिए हमने इनको अलग बांधा हुआ है। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए, बदमाश हैं डॉन है, हमारे लिए कालिया भाई भी वैसे ही प्यारे हैं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना भाई, इसको भी थोड़ी सी दवाई पिला देते हैं। तो भाई अब समझ आया कि नोरा फतेह अली क्यों कहती थी
नूरा फतेह अली। नूरा फतेह, नूरा फतेह। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो अब मैं गूगल करके आया हूँ, नूरा फतेह ही सही कहती थी। हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का अख्तितम करता हूँ। आप सब लोगों से एक दुआ की अपील है, आज शाम कराची से एक साइक्लोन टकराएगा, कराची वालों के लिए खास दुआ करिएगा और मेरे मैक्सी के लिए स्पेशल दुआ करिएगा। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।